आज हम लेके आए उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या 1560 हो गई है। वहीं 15 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। तो उत्तराखंड में कोरोना वायरस के संक्रमित का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 23 नए कोरोना के मामले मिले हैं। इनमें से ज़्यादातर संक्रमित बाहरी प्रदेशों से लौटे हैं। वहीं 53 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 1741 सैंपल की जाँच रिपोर्ट निगेटिव आई है। एक बार फिर से अधिक मरीज देहरादून में मिले। यहां 6 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही नैनीताल में 6 नए मरीज मिले हैं। उधम सिंह नगर में 4, हरिद्वार में 3, टिहरी में 2, पौड़ी में 1, उत्तरकाशी में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। इसके बाद उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कुल 1560 हो गया है। वहीं खबर आई है, उत्तराखंड में 3 अन्य संक्रमित की मौत हो गई है, जिनकी अभी जाँच रिपोर्ट आनी बाकी है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल आंकड़े 1560 हो गए हैं। वहीं अभी तक 808 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 730 केस अभी एक्टिव हैं। 15 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 74 हो गई है, बागेश्वर में 40, चमोली में 34, चंपावत में 48, देहरादून में 402, हरिद्वार में 154, नैनीताल में 334, पौड़ी गढ़वाल में 52, पिथौरागढ़ में 51, रुद्रप्रयाग में 28, टिहरी गढ़वाल में 223, उधम सिंह नगर में 95 और उत्तरकाशी में 25। तो कुल मामले 1560 हो गए हैं। और इस खबर आई है रुड़की से, जहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में 25 साल के युवक की मौत हो गई है, मचा हड़कंप। तो रुड़की के सिविल अस्पताल में कोरोना के संदिग्ध मरीज की मौत से हड़कंप मच गया है। दरअसल रुड़की के कृष्णा नगर मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय गोविंद को खांसी और बुखार की शिकायत होने पर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था, जिसका सैंपल जांच के लिए लैब में भेजा गया था। अभी गोविंद की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन उसकी इससे पहले ही मौत हो गई। का रहने वाला एक युवक था और 8 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। इसे बुखार और खांसी की शिकायत थी, जिसकी आज सुबह डेथ हो गई है। तो इसमें डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि ये कोरोना पॉजिटिव का सस्पेक्टेड है शायद। इसका सैंपल वगैरह भी लिया गया है। तो आज जो भी कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के थ्रू की जा रही है, उसमें उनके थ्रू ही उसका जो भी गाइडलाइन है उसके अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस संबंध में जो हरिद्वार में जो बिजली का सौदाग्रह है, उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पे इंसानियत शर्मसार दो महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया है, वीडियो वायरल हुई है। तो उधम सिंह नगर से एक ऐसा इंसानियत को तार तार कर देने वाला घटना सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा सड़क पर दो महिलाओं को बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ है। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर देकर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि ये घटना कल यानी 9 जून की बताई जा रही है। मामला काशीपुर के विजयनगर नई बस्ती कॉलोनी का है, जहां बच्चों के विवाद को लेकर के अफरोज जहां की बेटी कॉलोनी के नदीम और वजीर से बात करने गई थी, लेकिन दबंगों ने बात करने की जगह दोनों महिलाओं पर हॉकी से सड़क पर ही मारपीट करना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर। कांग्रेस ने किया वर्चुअल रैली का विरोध, सांसद बोले भाजपा ठीक सेना की तरह। तो हल्द्वानी में एक और भाजपा कुमाऊं संभाग कार्यालय से लेकर के अलग अलग स्थानों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की वर्चुअल रैली का डिजिटल माध्यम से संवाद हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए इस वर्चुअल रैली का विरोध किया। केंद्र की मोदी सरकार के एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर के कुमाऊं क्षेत्र के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत और नैनीताल सांसद अजय भट्ट सहित भाजपा कार्यकर्ता हल्द्वानी कार्यालय में जहां इस वर्चुअल रैली में मौजूद रहे। तो इस प्रकार से यहां पर कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। और बड़ी खबर आई है, युवक ने घर का गलत पता दिया, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मचा हड़कंप। तो उत्तराखंड में एक ऐसा चिंताजनक खबर सामने आ रहा है, कोरोना वायरस के दौर में आम आदमी की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जिम्मेदारियों को निभाना ही इंसानियत है। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस दौर में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को धोखे में डाल रहे हैं। खबर हरिद्वार जिले के रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र की है। यहां रहने वाले एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन हैरानी की बात है कि युवक के घर की जानकारी ना तो स्वास्थ्य विभाग को मिल पाई है और ना ही पुलिस को। दरअसल युवक ने टेस्ट के दौरान जो पता दिया था वो गलत है। इसके अलावा फोन नंबर भी दिया था वो भी बंद है।
इसके बाद से पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल युवक की तलाश की जा रही है। और वहीं खबर आ रही है, उत्तराखंड में फर्जी पास लेकर के हरियाणा से पहाड़ घूमने आए चार लड़के, पुलिस ने सिखाया सबक। तो लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से चार लड़के फर्जी पास बना करके नैनीताल घूमने पहुंचे। पुलिस ने चारों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। तो देहरादून में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तो देहरादून में दोपहर 3 बजे के बाद मौसम का मिजाज बदला, जहां सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक भारी धूप और गर्मी से लोग परेशान थे, तो वहीं दोपहर को सुहाने मौसम और ठंडी हवाओं ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत दी। देहरादून में दोपहर को तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है। तो मौसम विभाग ने आज बुधवार को दून समेत प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहने की आशंका जताई थी, साथ ही पहाड़ी इलाकों में बारिश का भी अनुमान लगाया था। मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। गरज और चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। बता दें कि मौसम विभाग ने 11 जून को कई जिलों में बादल छाए रहने और बारिश आने की आशंका जाहिर की है। और खबर आई उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड का खूंखार तेंदुआ 90 बकरियों का किया शिकार, 45 के शव बरामद। तो खबर आई है नैनीताल से, जहां पर रामनगर वन प्रभार की कालाडूंगी रेंज में एक खूंखार तेंदुए का आतंक आज देखने को मिला। इस घटना के बाद गाँव वाले मायूस हैं, क्योंकि जिससे वो अपनी जीविका चलाते थे उन्हें गुलदार ने मार डाला है। तो मामला कालेडुंगी रेंज का है, जहां पे दूरस्थ ग्राम सभा जलाल गांव का मंगलवार शाम का है, जहां तेंदुए ने एक ग्रामीण की गौशाला में बंधी 90 बकरियों को मार डाला। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। वहीं मौके से 45 बकरियों के शव गौशाला से बरामद किए, 18 बकरियाँ घायल अवस्था में मिली और 25 बकरियाँ गायब हैं। इस घटना के बाद गाँव में भय का माहौल बना हुआ है। खटीमा से खबर आई है, जहां पर सागौन की लकड़ियों की तस्करी की जांच शुरू हो गई है। तो खटीमा क्षेत्र के कुछ दिन पूर्व वन विभाग ने लाखों की सागौन की लकड़ियां बरामद की थी। वन विकास निगम के जनरल मैनेजर और वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने लकड़ी तस्करी की जांच शुरू कर दी है। तो केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य देख पीएम मोदी बोले, ऐसा हो निर्माण जो अगले 100 साल तक याद रखे दुनिया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से केदारनाथ के पुनर्निर्माण कामों की स्थिति और आगे की व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से किए जाने के निर्देश दिए। यही नहीं, बद्रीनाथ धाम में चल रहे विकास कार्यों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसा काम हो ताकि 100 साल तक इस निर्माण कार्य पर असर ना पड़े। तो खबर आई है चमोली जिले के थराली से, जहाँ पर लोग खुद ही सड़क बनाने में लगे हुए हैं। तो पहाड़ के लोगों का परिश्रम किसी से छिपा नहीं हुआ है, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी चमोली जिले के थाली से है। माल बजवाड़ के लोगों ने सरकार की अनसुनी पर खुद ही सड़क बनाने का निश्चय किया और असंभव काम को संभव कर दिखाया है। कोटद्वार से खबर आई है, जहां पे दिल्ली से कोटद्वार पहुंचे प्रवासी की मौत हो गई है, कोरोना जाँच के लिए भेजे गए हैं सैंपल। तो दिल्ली से लौटे प्रवासी की टैक्सी में हुई मौत, टैक्सी चालक ने प्रवासी को चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो बुधवार को दिल्ली से कोटद्वार लौटे प्रवासी की टैक्सी में मौत हो गई। आनंद फान में टैक्सी चालक ने प्रवासी को बेस चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्रशासन की टीम को बुलाकर शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेजा है। चिन्याली सैन के हवाई पट्टी में वायुसेना के विमान की सफल लैंडिंग हुई है। तो भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच बुधवार को भारतीय वायुसेना के मालवाहक AN-32 विमान ने उत्तरकाशी के चिन्याली सेन हवाई पट्टी पर टेक ऑफ और लैंडिंग का अभ्यास किया। इस अभ्यास के दौरान विमान में सवार कोई भी अधिकारी और जवान नहीं उतरा और यह एक सफल लैंडिंग रही। खबर आई रुद्रपुर के गदरपुर से, जहां पर नहर किनारे मिला लापता युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। तो गदरपुर थाना क्षेत्र के कलकत्ता गांव से लापता चल रहे गुरुनाम सिंह, जो कि 24 साल का शव मिला। शव उसके घर से 1 किलोमीटर दूर नहर किनारे झाड़ियों में बरामद हुआ। गुरुनाम 8 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। और खबर आई रुद्रप्रयाग से, जहाँ पर 15 जुलाई से पहले 35,000 किसान करा सकेंगे खरीफ की फसल का बीमा। तो रुद्रप्रयाग के किसान धान और मंडुवे की फसल का बीमा करा सकते हैं, साथ ही प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर भी मुआवजा दिया जाएगा। बीमा के लिए काश्तकारों को सिर्फ 2% की धनराशि देनी होगी। और खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे हल्द्वानी में झमाझम बारिश हुई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई, बारिश ने गर्मी से तो राहत दी ही, इसे आम और लीची की फसल के लिए भी फायदेमंद माना जा रहा है। तो नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई, बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है।
ये बारिश आम और लीची फसल के लिए काफ़ी फायदेमंद मानी जा रही है।